एक्सरसाइज 29, चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स. दिस इज क्या होगा दोनों में से. दिस इज नाम है सीता, तो यहाँ ए नहीं लगेगा इसलिए ये होगा सीता. दिस इज सीता. That is boy या a boy कौन होगा. boy उसको हम गिन सकते हैं इसलिए a boy. This is a milk. milk milk को हम गिन नहीं सकते, uncountable noun है इसलिए a milk नहीं होगा, सीधा milk होगा. This is milk. That is a ox. ox an ox. ox को हम गिनती कर सकते हैं, गिन सकते हैं इसलिए an का प्रयोग होगा, लेकिन a का होगा या an का. तो vowel sound से पहले an का प्रयोग होता है और vowel आता है a e i o U. यहाँ ओ है इसलिए एन का प्रयोग. दैट इज एन ऑक्स. दीज आर ये तो प्लुरल हो गया, तो यहाँ एक गर्ल नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, गर्ल्स होगा. These are girls. Those are ये भी plural है और ये singular इसलिए ये होगा. Those are apples होगा. Those are apples. This dog. This सिंगुलर है, दिस के साथ एज, एज का प्रयोग होगा, आर का नहीं क्योंकि आर डीज के साथ हो सक मतलब होगा, डीज के साथ होगा या डीज रहता है तो आर होता है या दोज, लेकिन यहाँ डीज है एज. दिस डॉग इज ब्लैक. दैट मिल्क बीच में क्या होगा. स्वीट है. That milk sweet. Is होगा यार, तो यहाँ that singular और that के साथ is होगा, आर नहीं इसलिए is. That milk is sweet. अब यहाँ पहले खा ली तो क्या होगा. Pens are new. Pens है मतलब plural, तो this नहीं होगा, दीज होगा. तो यहाँ दीज दीज पेंस आर न्यू. यहाँ भी ऐसे ही है, पहले खा लिए. और यहाँ काउज, काउज आर ब्लैक, तो दैट नहीं होगा, दोज होगा. दोज काउज आर ब्लैक.